आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। Making circulars, taking photos, printing magazine, maintaining all records of P World Science Exhibition. I request Aniket sir and Sandeep sir to please be there. Then we have all the schools who are getting the best project prize. Please note down that all the three projects will be going to both everything, the junior, the senior, the teacher teaching in every category. How we encourage the all-round development of our students, whether it is towards promoting art and culture in the Sashalai Upkram, leading to growth of students in drawing, singing, dancing and music, or the science exhibition which you all participated in. Of Sharda Gampit International School. Very good rangoli was made at the entrance and lamp lighting also was taken care by the teachers of this school. We had performances today and I would like to thank them also. Bank students from Aspinutan Academy, Lazim students from Nivara Vidyalaya, prayer performed by this school, welcome song by Radha Krishna school, and at the end Pasaidan will be given by Utkarsh Mandir, one of the teachers. I also would like to thank the sound system people, the catering people and the decorator. We would also like to thank Mr. Shanti from Guru Prakash Arts for giving us the trophies, prizes and certificates, backdrop, gate. मोहन मेरिया हाई स्कूल की प्रिंसिपल है सुषमा मैडम, आइए मुझसे बात करें। सुषमा मैडम आपका स्वागत है चैनल में। आपके स्कूल के बच्चों ने कौन सा प्रोजेक्ट लिया, क्या इधर में प्रदर्शन क्यों करते हैं? हमारी जो स्कूल है उन्होंने चार प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, दो टीचर्स टीचिंग एड के अंडर लिए हुए हैं और एक जूनियर ग्रुप और एक सीनियर ग्रुप में लिया हुआ है। एक कम्युनिकेशन के है थीम के अंडर और एक एग्रीकल्चर के अंडर है। और कौन से क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट? यहाँ पर कैटेगरी होती है, जैसे एक जूनियर ग्रुप होता है, सीनियर ग्रुप होता है, तो ज्यादातर जो जूनियर ग्रुप होता है वो 5th to 8th के कैटेगरी में आता है और जो हायर क्लासेस है वो सीनियर ग्रुप के अंडर आते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है ये पूरे 3 दिन का है, तो 3 दिन की जो तैयारी है वो हमारी, जैसे मैं सेक्रेटरी वार्ड की, तो हम लोग जो तैयारी है वो 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, अभी से नहीं होता है, जैसे ये 2 दिन में नहीं हो सकता है। और जो सेकेंड डे है वहाँ शौचालय उपक्रम होता है, वहाँ पर वो प्राइजेस दिए जाते हैं जैसे फोक डांस, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एलोक्यूशन, जो अदर देन साइंस के जो है उनके प्राइजेस दिए गए, और आज जो है वो मेन साइंस के प्राइजेस जाएंगे। यहाँ पर कितने जजेस हैं, जो डिक्लेयर होगा तो आज ही होगा, आज का लास्ट डे? हाँ, आज का लास्ट डे है और जो जजेस है वो कल जजमेंट खत्म हुआ है। करीब 15 टीम होती है, 15 लोगों की, अलग अलग थीम्स के अंडर अलग अलग जजेस जाते हैं। और ये जो जजेस है वो दूसरे वार्ड से आते हैं, ठीक है, हम इसी वार्ड से तो नहीं बुला सकते हैं, तो दूसरे वार्ड से जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, जो अच्छे इस पे है, मतलब हायर देन 10th स्टैंडर्ड क्लासेस को पढ़ाते हैं, उन लोगों को इनवाइट किया जाता है फॉर जजमेंट। तो वो जजेस आके सारा इवैल्यूएशन कर लेते हैं और आज प्राइजेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आपल्या सर्वांच्या कार्याचा आरसा या अंकुरच्या रूपाने या ठिकाणी प्रकाशित होत आहे. ऑनलाईन प्रकाशन जे झालेलं आहे ते ग्रुपमध्ये पाठवलं जाईल, ज्यामुळे सर्वांनाच याची माहिती मिळेल आणि ते पाहता येईल.